पहचाने कौन, एक इंजीनियर का सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सफर। 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे इस नेता की यात्रा प्रेरणादायक रही। आयुर्वेदिक चिकित्सक पिता के पुत्र, इन्होंने शुरू से ही समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ठान ली थी। 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद वे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में काम करने लगे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने राजनीति में अपना असली सफर शुरू करने की ठानी। 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं से प्रेरित होकर उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा। 1994 में समता पार्टी की स्थापना की और बाद में इसे जनता दल यूनाइटेड में मिलाया, जिसके वे प्रमुख बने। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए का हिस्सा बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पहचान मजबूत हो गई। 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था और शासन में व्यापक सुधार लाने की दिशा में काम किया। समय समय पर उन्होंने बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए और तोड़े, जो उनकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण है। इस इंजीनियर की राजनीतिक यात्रा ने यह साबित किया कि सही नेतृत्व और कड़ी मेहनत से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। आज के युवाओं के लिए नीतीश कुमार की यात्रा राजनीति में दृढ़ संकल्प और सेवा के महत्व को दर्शाती है।